हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुक्षी किचन विद ब्लॉग। मैं आज फिर से नया रेसिपी का वीडियो लेके आई हूँ आप लोग के पास। तो गाइस देखिए, ये इलिश मछली है, इसको अच्छे से साफ़ा कर लिया है धो के, तो ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो गाइस देखिए, इलिश भापा बनाएंगे। तो इलिश भापा बनाने के लिए देखिए, लिए है सरसों, हरी मिर्च, सरसों काला सरसों पीला सरसों दोनों मिक्स है, लिए है सरसों का तेल, बीच में फाड़ा हुआ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो सबसे पहले देखिए, सरसों को और हरी मिर्च को पेस्ट बना लेंगे, अच्छे से बारीक से पेस्ट कर लेंगे। तो गाइस देखिए, मेरा सरसों पीसना हो गया है, अच्छे से परफेक्ट तरह से पीस लिया है, बस इस तरह से ही बारीक करके पीसना है। उसके बाद एक तो टिफ़िन बॉक्स लिए है, देखिए एक कंटेनर लिए है जो ढक्कन वाला है, इसी में हम लोग इलिश का भापा बनाएंगे। सिंपल तरीके से बनाएंगे, बहुत ही कम टाइम में बन जाएगा। तो देखिए, इसमें सरसों का पेस्ट डाल दिए है टिफ़िन बॉक्स में, इसी में मिक्सी का जार धो के थोड़ा सा पानी ऐड किया है, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी ऐड किए है। तो इसको अच्छे से चम्मच से चला लिए है। तो इसी में कुछ और मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस देखते रहिए। तो इसी में ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर, जस्ट कलर के लिए थोड़ा सा दिए है, क्योंकि झाल के अकॉर्डिंग हरी मिर्च ऐड किए हैं, लाल मिर्च पाउडर जस्ट कलर के लिए थोड़ा सा ऐड किए हैं, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए, लाल मिर्च पाउडर हल्दी के साथ अच्छे से फिर से मिक्स करेंगे। तो गाइस, इतना टाइम जो वीडियो देख लिए हैं आप लोग, प्लीज़ जो लाइक नहीं किए प्लीज़ एक टू लाइक कर दीजिए, एक टू लाइक मेरा वीडियो बनाने का उत्साह तो बढ़ाएगा। तो इसमें हम लोग ऐड करेंगे सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल। तो इलिश भापा के लिए सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है। तो इसके साथ अच्छे से इसको मिक्स करेंगे। देखिए, डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, नमक के साथ भी फिर से अच्छे से इस तरह से घोल को अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए, कलर भी कितना परफेक्ट तरीके से आ गया है। तो इसी घोल में एक एक करके सब मछली को ऐड करेंगे, इलिश मछली एक एक करके सब मछली इसमें ऐड करेंगे और हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। तो गाइस देखते रहिए, बहुत ही सिंपल तरीके सिंपल रेसिपी है, कोई झोर झमेला नहीं, बहुत ही जल्दी बन जाता है इलिश भापा। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे जैसा, बहुत ही टेस्टी बनता है खाने में, आप लोग ज़रूर इसी तरह एक बार ट्राई करिए। इलिश भापा तो ऐसे सबको ही बनाते हैं, तो मैं कैसे बना रही हूँ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ कॉमेंट में बताइएगा। तो इसी में हम लोग ऐड करेंगे हरा धनिया। देखिए, ऊपर से हरा धनिया ऐड किया है, हरा धनिया से एक तो फ्लेवर आएगा, बाद में भी ऐड करेंगे। फिर हम लोग इसमें डालेंगे बीच में फाड़ा हुआ हरी मिर्च। हरी मिर्च आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम ज़्यादा झाल के अकॉर्डिंग, तीखा के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो देखिए, मेरा तैयार हो गया भाप देने के लिए। तो इसमें हम लोग फिर से थोड़ा सेट कर लेंगे इस तरह से चला के। तो इसको ढक्कन से ढक्कन लगा देंगे अच्छे से टाइट करके। तो इधर देखिए, एक बड़ा सा कढ़ाई चढ़ा दिया है गरम होने के लिए, इसमें एक स्टैंड बैठा दिए है, इसमें हम लोग डालेंगे पानी। तो इसी में हम लोग स्टीम करेंगे। इसमें ऐसा पानी डालिए कि टिफ़िन बॉक्स में ना लगे, नहीं तो उबाल आएगा तो टिफ़िन तो हिलेगा। ऐसा पानी डालिए कि टिफ़िन में टच ना हो, बट
परफेक्ट तरीके से स्टीम टू भी हो जाए। तो देखिए मैं टिफ़िन बॉक्स बैठा दिए हूँ, उसमें एक ढक्कन से अच्छे से जो भाप टू ना निकले, स्टीम टू ना निकले, इस तरह से ढकना है। तो इसको हम लोग 45 मिनट तक स्टीम करेंगे। देखिए मीडियम टू लो फ्लेम में रखे हैं, तो 30-45 मिनट तक हम लोग स्टीम करेंगे। तो गैस देखिए प्राय 40 मिनट के बाद देखिए मेरा इलिश भापा बनके बिल्कुल तैयार है। देखिए कलर देखिए, जस्ट लुक देखिए, सब कितना अच्छे तरीके से परफेक्ट तरीके से पक गया है मछली। तो गाय चलिए सर्व करके दिखाते हैं। इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत टेस्टी बनता है, बहुत ही टेस्ट खाने में लगता है। तो गाइस देखिए मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, जस्ट लुक देखिए, कलर देखिए, देखने में ही लग रहा है बहुत ही टेस्टी है। तो मैं खा भी चुकी हूँ, वॉइस बाद में दी हूँ, तो सच्ची में बहुत ही टेस्टी बना था। आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें, इस तरह से बहुत ही सिंपल रेसिपी है। और जो न्यू है मेरा वीडियो को देख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल नोटिफिकेशन करके मेरे साथ बने रहिएगा। और एक टू लाइक ज़रूर करिएगा प्लीज़। आप लोग कमेंट करते हैं बट लाइक नहीं करते हैं। तो देखिए गाइस मेरा इलिश भापा बनके बिल्कुल तैयार है, देखने में लग रहा है बहुत ही टेस्टी बना है। तो आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें देखिए। तो गाइस मेरा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे साथ इसी तरह बने रहिएगा। फिर मिलती हूँ नया एक रेसिपी लेके, नया ब्लॉग लेके, नया एक वीडियो लेके। तो आप लोगों को आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।